हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का चैप्टर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो जनरली वो हमें कंटिन्यूटी में पढ़नी चाहिए, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न पीरियड। मगर हमेशा ये इजी नहीं होता है डिस्टिंग्विश कर पाना एक पीरियड को, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग कर पाना एक पीरियड को दूसरे पीरियड से। जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की, वो जनरली हम लोग देखते हैं कि बिगिन होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, मतलब जब ये यूरोप के देश जो हमारे देश में आए थे, जैसे कि सबसे पहले पर्टुगीज़ आए थे। तो हम लोग मानते हैं कि उनके हमारे देश में आने से जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। बट अगर हम लोग मेडिवन पीरियड की बात करें तो वो हम 15th सेंचुरी से मानते हैं, मगर ये जो पोर्टुगीज थे ये लोग तो मुगल से भी पहले हमारे देश में आ गए थे। देखिए, मुगल्स जो हैं, बाबर आए थे 1526 में इंडिया में, और जो पोर्टुगीज़ हैं ये लोग तो 1498 के अराउंड हमारे देश में आ गए थे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, पोर्टुगीज़ इन इंडिया, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। तो ये जो पोर्टुगीज़ हैं ये किस तरीके से इंडिया में आए और इन्होंने, इनका क्या क्या प्रोसेस रहा वो पूरा हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था 7th सेंचुरी में, तो जो अरब्स थे उन्होंने अपना जो है डोमिनेशन वो इस्टेब्लिश कर लिया था इजिप्ट और पर्शिया वाले रीजन में। और क्या था कि डायरेक्ट कांटेक्ट यूरोपियंस और इंडिया का वो डिक्लाइन होने लगा था। तो जो इंडियन कमोडिटीज़ थी, जैसे कि स्पाइसेस, कैलिकोज, सिल्क, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड में हुआ करती थी। मगर डायरेक्ट कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था यूरोपियंस और इंडियंस का, तो इनकी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट आया था, और ये यूरोपियंस के ट्रेड पे भी इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा था। फिर 1453 में जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ और जो ऑटोमन टर्क्स हैं इनका जो है राइज स्टार्ट हुआ, मतलब इनका जो डोमिनेंस है वो उस रीजन में, टर्की वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। तो जो मर्चेंडाइज था वो इंडिया का मतलब यूरोप से कैसे जाता था, इंडिया से पहले जो अरब मुस्लिम्स होते थे वो इंटरमीडियरीज बनते थे, और फिर इंडिया का सारा ट्रेड जो है वो यूरोप पहुंचता था। तो बीच में इंटरमीडियरीज की वजह से इस जो ट्रेड की मतलब चीज़ों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो जो रेड सी वाला रूट था उसमें मोनोपोली थी इस्लामिक रूलर्स की, और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी अर्न करते थे। मतलब जो रेड सी वाला रीज़न था, इंडिया से होते हुए जो रास्ता जाता था रेड सी से निकल के फिर वहाँ पे यूरोप पहुँचता था, तो रेड सी वाला जो रीजन है वहाँ पर का मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से कब्ज़ा था जो इस्लामिक रूलर्स थे ना उनका, जनरली ऑटोमन टर्क्स का। तो लैंड रूट जो था इंडिया का वो पूरा का पूरा अरब्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो इन सर्कमस्टांसिस में जो है यूरोप के लोग जो थे, यूरोपियंस कंट्रीज़ के लिए इंडिया का डायरेक्ट सी रूट ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मतलब ऐसा सी रूट वो ढूंढ पाए जिससे उन्हें जो रेड सी है वो ना क्रॉस करना पड़े, क्योंकि जो रेड सी था उस पर तो काफ़ी हद तक कब्ज़ा था अरब मुस्लिम्स का। तो इसलिए अब यूरोपियंस को ढूंढना था डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। तो अब इसमें क्या हुआ था, फिर 15th सेंचुरी में जो यूरोप था उसमें रेनेसा स्टार्ट हो गया था, मतलब साइंटिफिक आइडियाज़ और इंडिविजुअलिज्म, मतलब काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मॉडर्नाइज वो होने की तरफ बढ़ चुके थे। तो जब रेनेसा आया तो उसके बाद ये बात भी उठी कि एक्सप्लोरेशन किया जाए, देखा जाए पूरी दुनिया में क्या है। तो सबसे पहले क्या हुई, मतलब वहाँ पे शिप बिल्डिंग जो है, आर्ट, मतलब आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस आए आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग में। तो इससे क्या हुआ, नेविगेशन मतलब खोजबीन जो है अलग अलग देशों की वो भी स्टार्ट हो गई, और काफ़ी ज़्यादा जो यूरोप के देश थे उनको मतलब बड़ा दिलचस्पी थी कि भाई ईस्ट साइड में क्या है, ये इंडिया में क्या है। इंडिया के लिए तो वो लोग बिल्कुल पागल थे कि मतलब इतना अच्छा जो मसाले आते हैं, सिल्क आता है, ये सब चीज़ें मतलब जिस देश से आ रही हैं इतना ज़्यादा वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो मतलब अरब ट्रेडर्स को वो लोग चाहते थे कि किस तरीके से इनको हम हटाएं और हम इंडिया से बिल्कुल डायरेक्ट ट्रेड जो है वो कर पाएँ। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता था, इंटरमीडियरीज होते थे इनके बीच में, तो इनको थोड़ा मतलब महंगी चीज़ें मिलती थी। फिर वेनिस, जिनोवा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटे छोटे देश थे,
तो इन देशों में मतलब ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, मतलब इंडिया के साथ वेनिस, जिनोवा, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया करते थे, मगर ये काफ़ी छोटे देश थे। ऑटोमन टर्क्स के सामने ये लोग मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं थे। तो अगर ऑटोमन टर्क्स का सामना करना था, या तो सामना करो या फिर दूसरा रास्ता ढूंढ लो। तो इन लोगों ने क्या किया था, दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए काफ़ी सारे वॉयजेस जो हैं वो स्पॉन्सर किए थे। तो पोर्टुगल और स्पेन, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लीड लिया कि भाई हम लोग जो है ना वो रास्ता ढूंढेंगे इंडिया तक जाने का। आइडियाज़ ऑफ फाइंडिंग ओशन रूट मतलब एक ऑब्सेशन सा बन गया था। प्रिंस हेनरी जो थे ना पोर्टुगल के, उनके अंदर मतलब ऑब्सेशन आ गया था कि भाई मतलब मेरे को तो सी रूट ढूंढना ही है, किस तरीके से ईस्ट में पहुंचा जाए सी रूट से। तो इसलिए उनका जो प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल थे, उनका जो एक निकनेम था, वो उन्हें नेविगेटर भी कहते थे। उनको मतलब जो मुस्लिम डोमिनेशन था ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन पे, मतलब मेडिटेरेनियन रीजन जैसे कि इटली, इसके लिए आपको मैप्स भी काफ़ी अच्छे से करने पड़ेंगे कि रेड सी कहाँ पर पड़ता है और मेडिटेरियन कहाँ पर पड़ता है, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड कौन कौन सी कंट्रीज़ के अराउंड है, वो सब भी आपको देखना चाहिए। तो जो ईस्टर्न मेडिटेरियन था रीजन, वहाँ पे मुस्लिम्स का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन था। तो मतलब मुस्लिम्स के डोमिनेशंस को हटाने के लिए उन लोगों को सी रूट ढूंढना था, ताकि वो इंडिया के साथ जो है ट्रेड करके मुनाफा कमा सकें। तो एक ट्रीटी ऑफ टॉरेस लास जो है वो साइन की गई 1494 में। तो इस ट्रीटी में क्या था कि पोर्टुगल और स्पेन ने एक तरीके से ना मतलब एक इमेजिनरी सी ना लाइन खींच ली। उस लाइन में क्या था, जो लाइन कहाँ थी, अटलांटिक ओशन में थी, 1300 माइल्स वेस्ट ऑफ केप वर्डी आइलैंड्स। मतलब ये वाली जो इन्होंने लाइन सी खींची थी, इमेजिनरी लाइन थी केप वर्डी आइलैंड से। देखिए इसमें क्या था कि वेस्टर्न साइड में जो डोमिनेशन होगा वो किसका होगा, वो होगा मतलब पोर्टुगल और ये जो था स्पेन, इसमें एक इमेजिनरी इन लोगों ने लाइन खींची थी। और इन्होंने उसमें क्या मतलब डिसाइड किया था कि जो पोर्टुगल होगा उसका क्लेम होगा ईस्ट साइड में लाइन के, मतलब जो भी इन्होंने लाइन खींची है केप वर्डी से गुजरते हुए, उसके जो ईस्टर्न साइड होगा वो पोर्टुगल का जो है पूरा कंट्रोल होगा, और जो स्पेन का होगा वो इस लाइन के वेस्टर्न वाटर्स में होगा, और इंडिया जो है वो लाइन करता था पोर्टुगल से वेस्टर्न वाटर्स में। फिर मतलब नेविगेशन के लिए टीम्स वगैरह जैसे भेजी जाती हैं तो भेजी गई। तो 1487 में पोर्टुगीज नेविगेटर थे एक बार्थलोम्यू डियास, उन्होंने केप ऑफ गुड होप को मतलब अफ्रीका के जो सबसे सदर्न मोस्ट टिप है केप ऑफ गुड होप, उसके साइड से वो निकल के सेलिंग की थी। और उनको ऐसा लगा था कि उन्होंने मतलब इंडिया का रूट जो है वो ढूंढ लिया है, मगर नहीं ढूंढा था एक्चुअल में। इसके 10 साल बाद लगभग 1947 में जब पोर्टुगीज शिप जो हेड किए थे इंडिया की तरफ, जिसमें वास्को डिगामा थे, वो 1948 में इंडिया फाइनली पहुंच गए थे 11 मंथ की लंबी जर्नी के बाद। तो 1948 में वास्को डिगामा ने फाइनली इंडिया की जो है वो खोज कर ली थी, और उनका साथ दिया था इसमें गुजराती पायलट थे एक अब्दुल माजिद में, और वो पहुंचे थे कैलीकट में, मतलब इंडिया के सदर्न रीजन कैलीकट में वास्को डिगामा 1948 में पहुंच गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो हिंदू रूलर थे, कैलीकट के हिंदू रूलर थे जैमोरिन, उन्होंने काफ़ी अच्छे से पोर्टुगीज़ जो लोग आए थे जितने भी वास्को डिगामा और उनके साथ और भी जो लोग थे, उनको अच्छे से वेलकम किया था। अब जो अरब ट्रेडर्स थे इंडिया में, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि जो पोर्टुगीज़ हैं मतलब ये जो पोर्टुगल देश है, इसकी कोई भी प्रेजेंस रहे मालाबार कोस्ट पे। देखिए मालाबार कोस्ट, केरला, कर्नाटक वाला जो रीजन पड़ता है ना, वो मालाबार कोस्ट है। तो ये अरब ट्रेडर्स नहीं चाहते थे कि पोर्टुगीज़ यहाँ पर हों। क्यों नहीं चाहते थे, वो इसलिए नहीं चाहते थे क्योंकि अगर कोई और दूसरा देश आएगा तो उनका जो ट्रेड है वो बटेगा, उनको हो सकता है नुकसान हो, मतलब इतना फ़ायदा ना हो ट्रेड करने में जितना पहले हुआ करता था। तो इसलिए अरब ट्रेडर्स तो नहीं चाहते थे कि जो ये पोर्टुगीज़ मालाबार कोस्ट के आसपास आएँ। अब पोर्टुगीज जो थे वो क्या सोच के आए थे, वो लोग तो ये सोच के आए हुए थे कि वो जो पूरा ट्रेड है उसको मोनोपोलाइज कर लेंगे इंडिया में। मोनोपोलाइज करने का मतलब है कि पोर्टुगीज चाहते थे कि सिर्फ वही इंडिया के साथ ट्रेड करें और कोई दूसरा देश इंडिया के साथ ट्रेड ना करे। और उनके माइंड में कुछ और चीज़ें भी थीं, वो लोग सिर्फ ट्रेड ही नहीं करना चाहते थे,
उन लोगों के माइंड में कॉलोनाइजेशन वाली जो चीज़ थी ना, वो भी ऑलरेडी पहले से ही थी, और वो ये चाहते थे कन्वर्जन वाली उनके दिमाग में चीज़ थी कि क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर करा जाए और इंडिया के लोगों को क्रिश्चियन बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर यूरोप वाले साइड में काफ़ी ज़्यादा मतलब मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में काफ़ी आनाकानी, और मतलब ऐसा होता था ना कि वहाँ के मतलब जो वहाँ का जो टर्की वाला एम्पायर था, वो लोग वहाँ पे लोगों को मुसलमान बना रहे थे, तो क्रिश्चियनिटी खुद को बचाने के लिए वो चाहते थे कि क्रिश्चियन ज़्यादा हो, तो इनमें आपस में एक थोड़ी सी लड़ाई भी थी। तो पोर्टुगीज़ लोग इंडिया में क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना चाहते थे और ट्रेड मोनोपोलाइज करके काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉफिट कमाना चाहते थे, और एक तरह से इंडिया को कॉलोनाइज भी करने का वो माइंड में कुछ कुछ सोच करके आए थे। तो जो वास्को डे गामा है, इसने लगभग 3 मंथ ये इंडिया में रहा था, और फिर जब ये वापस गया था तो ऐसा मतलब माना जाता है कि इसने ह्यूज प्रॉफिट कमाया था, मतलब अराउंड 10 टाइम्स जो मतलब इसकी जो जर्नी का पूरा वो सब कुछ निकाल के भी इसने 10 गुना का प्रॉफिट जो है कमाया था, पेपर और बाकी सारा सिल्क वगैरह ये सब बेच के, मेनली पेपर वो यहाँ से लेकर के गए थे। फिर जब भाई पता लग गया पोर्टुगीज़ को कि भाई इंडिया कहाँ पड़ता है, तो इन लोगों ने फिर अपने क्या किया, गवर्नर्स भेजने शुरू कर दिए। तो फिर एक इससे पहले क्या हुआ, फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, कैब्रल बोलूँगी इसके बाद में जब भी नाम आएगा, कैब्रल ने जो है फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी अपनी कैलिकट में 1500 में। तो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था पोर्टुगीज़ और अरब्स के बीच में और लोकल लोगों के बीच में, मतलब इनकी कुछ ट्रेड प्रैक्टिसेस इस तरीके की थी कि मतलब रॉबरी वगैरह और कुछ धांधलेबाजी करना, तो अरब्स के साथ और कैलिकट के लोकल लोगों के साथ भी पोर्टुगीज़ लोगों की काफ़ी ज़्यादा हड़प वगैरह होती रहती थी। एक बार ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उसमें काफ़ी सारे लोगों की जो है डेथ भी हो गई, फिर मतलब काफ़ी इश्यूज हो गए थे। फिर जो ये कैबरियल था, इसने नंबर ऑफ़ अरब मर्चेंट शिप्स को भी काफ़ी ज़्यादा रोक दिया था, मतलब वहाँ पर आने से, जो होता है ना कोस्ट पर रुकने से काफ़ी रोक दिया था, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे। फिर फाइनली चीज़ें सेटल कर ली गई और फिर जो कैबरल है वो सक्सीड हो गया, मतलब एडवांटेजियस ट्रीटीज़ अपनाने में, ये लोकल रूलर्स के साथ, जो कैन्नौर और कोची के जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ काफ़ी अच्छी वो ट्रीटीज़ करने में सफल हुआ था, ताकि उसकी जो ये फैक्ट्री उसने एस्टेब्लिश की है वो सक्सेसफुली चल सके। अब वास्को डे गामा फिर दोबारा से इंडिया आया था 1501 में, और उसने अपनी फैक्ट्री सेटअप की थी कैनोर में। तो देखिए 1500 में कैबरेल ने कर ली, और 1501 में कैनोर ने अपनी फैक्ट्री जो है, कैनोर में वास्को डे गामा ने अपनी दूसरी जो है फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर ली। फिर कैलीकट, कैनोर, कोची काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए थे पोर्टुगीज़ लोगों के लिए, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे उन लोगों ने ये दिखा के कि हमारी फैक्ट्रीज़ पर अटैक हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करने की भी परमिशन ले ली, मतलब वो अपनी थोड़ी छोटी मोटी सी आर्मी रखेंगे ताकि अपनी फैक्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, इस तरीके की परमिशन भी उन्होंने लोकल रूलर से ले ली। अब आते हैं इनके पोर्टुगीज़ के गवर्नर फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डे अल्मेडा पहले गवर्नर थे पोर्टुगल के, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट की पोजीशन जो है पोर्टुगीज़ की इंडिया में। इन्होंने फोर्ट्स बिल्ड किए अंजादीवा, कोची, कैन्नौर और किलवा में, मतलब इन्होंने ये काम किया था कि पोजीशन को ना कंसोलिडेट किया जाए, पक्का किया जाए इंडिया में। इन्होंने जो मुस्लिम्स के साथ जो ट्रेड होता था उसको काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया, जैसे कि मतलब मुस्लिम जो ट्रेड्स करते थे इंडिया के साथ, जैसे कि मलक्का, ऑर्मुज, एडन, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कोशिश की कि जो अरब्स हैं उनको इंडिया से बाहर निकाला जा सके। तो एक तरीके से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी कि इसको इंडिया में पोर्टुगीज़ के रूल को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया जाए। फिर अपोजिशन, इनकी जो हरकतें काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, जो अरब लोग थे उनको हटाना और लोकल्स के साथ भी कुछ इश्यूज हो जाते थे, तो इनकी इन हरकतों की वजह से जो जैमोरिन रूलर था वहाँ का, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इनकी जो हरकतें चल रही थी उनका अपोजिशन किया। फिर ये जो ममलुक सुल्तान और इजिप्ट थे और इजिप्शियन, जो इन सब ने मिलके एक फ्लीट रेस किया रेड सी में, जो पोर्टुगीज़ जो आगे ज़्यादा बढ़ रहे थे ना इनको रोकने के लिए। फिर पोर्टुगीज़ जो हैं वो हार गए इन द नेवल बैटल ऑफ ड्यू, मतलब नेवल बैटल ऑफ ड्यू हुई थी किस किस के बीच में, जैमोरिन की भी कुछ मतलब आर्मी थी और इजिप्ट के सुल्तान की भी थी, इन लोगों ने सबने मिलके पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट अपनी
आर्मी खड़ी करी, और ये नेवल जो बैटल हुई थी, मतलब समुद्र में हुई थी वो बैटल, उसमें क्या है, ये लोग इजिप्शियन कमांड और कुछ गुजराती नेवीज के सामने हार गए थे। फिर जो अल्माइडा था, ये फ्रांसिस्को दे अल्माइडा, इसका जो विजन था ये था कि पोर्टुगीज़ को मास्टर बनाया दिया जाए इंडियन ओशन का। और इसकी ये जो पॉलिसी थी पोर्टुगीज़ को इंडियन ओशन का मास्टर बनाने की, इस पॉलिसी को कहा गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर सेकंड गवर्नर जो आते हैं वो आते हैं अल्फोंसो डे एल्ब्यूक। तो ये सेकंड वाले गवर्नर थे, इनको माना जाता है रियल फाउंडर पोर्टुगीज़ पावर का, मतलब जो पोर्टुगीज़ पावर को कंसोलिडेट काम जो करने का काम किया था वो तो फर्स्ट गवर्नर ने किया था, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा ने। अब इन्होंने क्या किया, रियल फाउंडर माना जाता है इनको पोर्टुगीज़ पावर का इंडिया में। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेसिस को एस्टैब्लिश किया था, जो इंडिया की कोस्ट लाइन थी ना उसमें जहाँ पर शिप आकर के रुकते थे उस जगह पर एंट्रेंसेस पर इन्होंने जो है वो बेसिस अपने एस्टैब्लिश किए। वहाँ पे लोगों को चेक पोस्ट थी, शिप्स को चेक किया जाता था, उनसे ड्यूटीज़ ली जाती थी, इस तरीके के काम इन्होंने करने स्टार्ट कर दिए थे। इन्होंने परमिट सिस्टम भी स्टार्ट किया था, जो दूसरे शिप्स आते थे पोर्टुगल शिप्स के अलावा, जो दूसरे शिप्स आया करते थे उनको कंट्रोल करने के लिए, चेकिंग वगैरह करने के लिए इन लोगों ने परमिट सिस्टम भी जो है वो स्टार्ट किया था। और गोवा जीत लिया था इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में। और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा एक्वायर कर लिया था 1510 में। देखिए लगभग 12-13 साल में इंडिया के आने के इन्होंने टेरिटरीज जीतनी भी स्टार्ट कर दी थी, गोवा छीन लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से। और जब ये लोग वहाँ पे गोवा में रहने लगे थे तो इन्होंने देखिए बहुत अच्छा काम ये किया था, इन्होंने जो सती की प्रैक्टिस थी ना उसको एबॉलिश कर दिया था, मतलब सबसे पहले सती की प्रैक्टिस को इन्हीं लोगों ने एबॉलिश किया था। और इन्होंने क्या किया था, ये जो एल्बुक्यू है इसने जो पोर्टुगल के जो लोग थे उनको एनकरेज किया था जो इंडिया की औरतों से शादी करने के लिए। और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने अपने को विलेज लैंडलॉर्ड्स के तौर पे एस्टैब्लिश कर लिया था, काफ़ी सारे पोर्टुगीज़ लोग इंडिया में आके सेटल हो गए थे, इन्होंने ये विलेज लैंडलॉर्ड्स बन गए थे, इन्होंने रोड्स का कंस्ट्रक्शन कराया, इरिगेशन वर्क्स करवाए, नई तरीके की क्रॉप्स हमारे देश में इंट्रोड्यूस की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ये यूरोपियंस हैं इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें हमारे देश में इंट्रोड्यूस की। अगर हम पोर्टुगीज़ की बात करें तो टोबैको, कैशो नट और काफ़ी एक अलग वेराइटी ऑफ कोकोनट इन लोगों ने हमारे देश में ये लोग लेके आए थे। फिर उससे मतलब कोयर से ये लोग रस्सी वगैरह भी बनाते थे, जो नारियल के ऊपर का खोल होता है ना उससे। अब आता है नीनो दे चोन्हा, यह है 1529 में गवर्नर बना था, इसने हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था कोची से गोवा में। अब तो गोवा आ गया था इनके पास, तो कोची से गोवा में इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया था। इन्होंने आइलैंड ऑफ बसीन जो है ये बहादुर शाह और गुजरात का था, इन्होंने आइलैंड ऑफ बसीन जो है ये भी पोर्टुगीज़ को दे दिए थे, और इनका जो एक बेस बना लिया था इन्होंने अपना दीव में। अब फेवरेबल कंडीशन क्या रही पोर्टुगीज़ के लिए कि भाई इन लोगों ने हमारे देश में इतना ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में आए और इतना कुछ एक्वायर कर लिया, इतनी सारी जगह, तो इनके लिए ऐसी कंडीशन क्या रही थी। तो देखिए हमारे देश में बहुत ही छोटी छोटी किंगडम्स थी, तो उन किंगडम्स को हराना भी काफ़ी ज़्यादा इनके लिए इजी हो गया था। पहले क्या होता था, चाइना का ट्रेड, चाइना भी हमारे देश के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया करता था। फिर मगर चाइना में जो एम्पायर आ गई थी उस टाइम पर, जब पोर्टुगीज़ ये 1600-1700 के टाइम पर जो चाइना की एम्पायर थी उन्होंने भी मतलब अपने अपने में रहने वाली पॉलिसी अपनाई थी, उन्होंने ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी बंद कर दी थी, तो चाइनीज़ नेविगेशन भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया था, और अरब की पावर भी थोड़ी डिक्लाइन होने लगी थी, मतलब पोर्टुगीज़ जो पावर थी वो नेवीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी थी, ये लोग अरब्स को हराना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहीं, जिसकी वजह से ये लोग इंडिया में अपना जो है वो शासन एक तरह से एस्टेब्लिश कर पाए। अब पोर्टुगीज़ स्टेट जो थी, पोर्टुगीज़ का कब्ज़ा किस किस जगह पर था, तो देखिए ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं, गोवा दमन एंड दीव, गोवा दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया था जो इन लोगों के अंडर था। मगर हम लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ गोवा दमन एंड दीव वाला रीजन ही था इनके पास, मगर इनके पास ईस्टर्न साइड में भी काफ़ी सारे ट्रेडिंग पोस्ट थी, जैसे कि ये लोग कैलीकट में तो आए ही थे, तो मैंगलोर, कैन्नौर, कोची, कैलीकट, यहाँ पर भी इनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी, ईस्ट कोस्ट पे भी थी, साउथ
सैंथॉम जो कि चेन्नई में है, नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे इन लोगों ने मिलिट्री पोस्ट और सेटलमेंट्स अपनी बनाई हुई थी। फिर ये लोग वेस्ट बंगाल के हुगली वाले रीजन में भी इनके वहाँ पर ये लोग ट्रेड किया करते थे। और देखिए एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सबसे पहले थे इंडिया में आने वाले, 1498 में ये लोग इंडिया से आए थे, और सबसे लास्ट में बाकी सारी जितनी भी यूरोपियन पावर्स थी, ये डच लोग आए थे यहाँ पर और ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे, वो लोग पहले चले गए थे। ये लोग सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़ 1498 में, और सबसे लास्ट में ये लोग यहाँ से गए थे 1961 में गोवा, दमन एंड दीव को छोड़ करके। अब आती है बात पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की, कि जो पोर्टुगीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके का था। तो हेड तो होता था इनका वायसरॉय, वायसरॉय के अंडर सेक्रेटरी आते थे, और भी कुछ दूसरी जो है एक ग्रुप ऑफ पोस्ट आती थी, जैसे कि तीन काउंसलर्स लेटर ईयर्स में, स्टार्टिंग में तो एक वायसराय होता था 3 साल तक, और उसके सेक्रेटरी, फिर लेटर ईयर्स में एक पूरी काउंसिल बन गई थी। फिर नेक्स्ट था वेदोर दा फरेंजा, वो रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू और कार्गो के डिस्पैच के लिए, मतलब जैसे कि जो ये आते हैं ना शिप्स वगैरह उनके डिस्पैच के लिए। फिर जो है इन लोगों जो फोर्ट्स वगैरह वो सबको बनाना और उसको फोर्टिफाई करना, उस सब के जो काम किया करते थे ना उनको फैक्टर्स कहा जाता था। अब रिलीजियस पॉलिसी उनकी कैसी हुआ करती थी, तो इनकी रिलीजियस पॉलिसी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि इनको क्रिश्चियनिटी को फैलाना था। अब जो मूर्स थे उधर साइड के, अफ्रीका साइड के मूर्स, वो काफ़ी ज़्यादा बिटर एनिमी हुआ करते थे पोर्टुगीज़ के, और ये लोग अरब्स के भी काफ़ी ज़्यादा एनिमी थे। तो इन लोगों की जील थी कि मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है और पर्सिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स। स्टार्टिंग में ये हिंदूज़ को पर्सिक्यूट नहीं करते थे, मगर लेटर पॉलिसीज़ में इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हिंदूज़ का भी पर्सिक्यूशन किया था। फिर इन लोगों ने अकबर के कोर्ट में भी काफ़ी सारे अपने मिशनरीज़ भेजे थे, ताकि मतलब अकबर को भी जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके। तो तीन मिशन्स गए थे, तीनों मिशन्स फ़तेहपुर सीकरी में ये लोग जाके बातचीत किया करते थे, बट कोई ऐसा नहीं हो पाया कुछ कि अकबर को मुस्लिम से क्रिश्चियन बनाया जा सके। तीन मिशन्स गए थे। फिर जहांगीर के कोर्ट में भी ये लोग गए, जहांगीर ने मतलब इतनी ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। फिर जहांगीर के बाद तो लेटर जो शाहजहां आया, और फिर औरंगज़ेब तो कट्टर मुसलमान था, तो मतलब इनका इतना ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया। अकबर तक ये डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया करते थे। तो मेजर रिलीजियस पॉलिसी जो इनकी थी वो यही थी, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। अब इनका थोड़ा सा डिक्लाइन वाला जो पीरियड है वो थोड़ा स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, कि पोर्टुगीज़ लूज़ फेवर विद मुगल्स, इनका मुगल्स के साथ थोड़ा अनबन हो गई थी, किस तरीके से वो देखते हैं। देखिए 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए सूरत में, ये थे ब्रिटिश। जब से ब्रिटिश की एंट्री हुई तब से इनकी जो पावर है वो थोड़ी डगमगाने लगी थी पोर्टुगीज़ की। और शिप का नाम भी कई बार पूछ लेते हैं कि शिप का नाम किस शिप से आया था, विलियम हॉकिंस जो आया था ब्रिटिश का था, सूरत में आया था, वो था शिप का नाम हेक्टर। हाँ देखिए ये जो तीन लाइन्स है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसके कोर्ट में आया था, कोर्ट ऑफ जहांगीर। कब आए थे ब्रिटिश, 1608 में। कौन आया था, कैप्टन विलियम हॉकिन। कहाँ आया था, सूरत में आया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो पोर्टुगल लोग हैं, पोर्टुगीज़ लोग हैं, उन लोगों ने किया कि भाई इन लोगों को ना आने दिया जाए ब्रिटिश को इंडिया में, हमारी मोनोपोली जो है वो बनी रहे। मगर जहांगीर को इनके गिफ्ट्स जो हैं पोर्टुगल, सॉरी पोर्टुगल नहीं, ब्रिटिश लोगों के गिफ्ट्स काफ़ी पसंद आए। विलियम हॉकिन को जो है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी, टर्की भी आती थी अच्छे से। तो जो है जो एम्परर थे वो काफ़ी ज़्यादा इनसे, जहांगीर जो थे वो इम्प्रेस हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, जहांगीर ने मनसबदार बना दिया था इनको 400 जागीरों का, और कोई हॉकिंस को, इनके आर्मेनियन क्रिश्चियन थे इनकी कोर्ट में, उनकी डॉटर से इनकी मैरिज भी करवा दी थी। फिर जो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ दी जा रही थी इंग्लिश लोगों को, उससे पोर्टुगीज़ लोग बड़े मतलब ऑफेंड होते थे। फिर काफ़ी नेगोसिएशंस चली पोर्टुगीज़ और मुग़ल एम्परर के बीच में। फिर फाइनली जो पोर्टुगीज़ हैं उन लोगों ने इंग्लिश लोग जो थे उनके शिप्स को एंटर करने के लिए मतलब बिल्कुल रोक दिया, सूरत में उनको एंटर नहीं करने दिया। इसकी वजह से बैफल हो गए जो हॉकिंस थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए इन पोर्टुगीज़ लोगों की हरकतों से, और वो मुग़ल कोर्ट को छोड़ करके चले गए। मतलब 1611 में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे मुगल्स की पॉलिसीज़ से भी और पोर्टुगीज़ की हरकतों से भी, फिर वो चले गए। फिर 1612 में
फिर से आए एक शिप ड्रैगन लेकर के कैप्टन बेस्ट। और मतलब उस इस टाइम पर आकर के जो है वो ब्रिटिश और मुगल्स थोड़ा क्लोज आने लगे और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए जहांगीर जो है, जो इंग्लिश की सक्सेस हुई थी ना, देखिए एक छोटी सी वॉर टाइप की हुई थी ओशन में, उसमें पोर्टुगीज़ लोग जो है वो हार गए थे और इंग्लिश लोग बड़े अच्छी तरीके से जीते थे। तो जहांगीर इस बात से इम्प्रेस हो गया था और इन लोगों को काफ़ी मतलब ट्रेडिंग राइट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए थे। पोर्टुगीज़ के कुछ पायरेसी के जो एक्ट्स भी थे, मतलब ये लोग पायरेसी काफ़ी ज़्यादा करते थे पोर्टुगल लोग, यही इनके काफ़ी निगेटिव्स वाला पार्ट था। इस वजह से जो मुगल रूलर थे वो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से नाराज़ भी रहते थे कि भाई किस तरीके से तुम लोग पायरेसी वगैरह करते रहते हो। इन पोर्टुगीज़ लोगों ने ना कुछ मुगल शिप्स के, मतलब जो मुगल्स थे उनके ही कुछ शिप्स पकड़ लिए थे। इस बात से जो है जहांगीर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था पोर्टुगल लोगों से। अब जहांगीर के रेन तक, जब तक जहांगीर था तब तक तो पोर्टुगीज़ का मतलब थोड़ा बहुत दबदबा चलता भी था, बट जब से शाहजहां का रेन आया था तब से तो मतलब पोर्टुगीज़ जो थे उनका जो है फेवर बिल्कुल लूज़ ही कर दिया था उन लोगों ने मुगल्स का। अब इन लोगों ने जो पोर्टुगीज़ लोग थे, हुगली कैसे इन्होंने कैप्चर किया, कब किया था, 1579 में ये लोग सेटल हुए थे सतगांव बंगाल में। और इस जगह से, सतगांव बंगाल से ये लोग माइग्रेट हो गए थे हुगली की तरफ। इन्होंने मोनोपलाइज मतलब अपना ही अधिकार जमा लिया था सॉल्ट को बनाने में, और ड्यूटी लेवी करते थे तंबाकू पे, और कस्टम हाउसेस मतलब ड्यूटीज़ वगैरह लिया करते थे जो वहाँ से सामान वगैरह जाया करता था। और इन लोगों ने स्लेव ट्रेड भी स्टार्ट कर दिया था हुगली पे। फिर क्या हुआ था, फिर सीज़ हो गया, कैप्चर कर लिया पहले इन लोगों के पास था, फ्रेंच लोगों के पास। फिर इन लोगों की हरकतों से परेशान होके ये लोग कस्टम ड्यूटी वगैरह लिया करते थे, स्लेव ट्रेड करते थे, तो इनकी 1962 तक इनकी हरकतों से परेशान होकर के कासिम खान जो था गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसने लड़ाई वड़ाई हुई लोगों के बीच में फ्रेंच के साथ, और फ्रेंच को यहाँ से हुगली से जो है वो भगा दिया था, मतलब निकाल दिया था। अब आता है डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़, ये जो पोर्टुगल लोग हैं वो किस तरीके से इन लोगों का डिक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है मेंस में कि डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ किस तरीके से हुआ, और एक सिग्निफिकेंस वाला पार्ट, ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाई 18th सेंचुरी इनका कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ था, इसके क्या फैक्टर्स थे? तो राइज़ ऑफ डायनेस्टीज़ ऑफ इजिप्ट एंड पर्शिया और मराठास का राइज़। तो जो इजिप्ट में, पर्शियाज़ में, काफ़ी पर्शिया वाले रीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ का जो है राइज़ हो रहा था, और मराठास जो थे वो पोर्टुगीज़ के इमीडिएट नेबर्स थे, और मराठास ने कैप्चर कर लिए थे सालसेट और बसीन 1739 में पोर्टुगीज़ से। तो मराठा से भी काफ़ी परेशान थे और ये लोग, और इजिप्ट और पर्शिया वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल डायनेस्टीज़ का भी राइज हो रहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉलिसी ऑफ कन्वर्जन मेड हिंदूज रिसेंटफुल। अब इन लोगों की पॉलिसी थी क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी फैलाना, अब ये लोग कन्वर्जन करते थे हिंदूज़ का, तो हिंदूज़ को ये बातें का बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो हिंदू भी इन लोगों से नाराज़ हो गए। अब डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये लोग काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें करते थे, जैसे कि पायरेसी करना, रॉबरी करना, तो इन सब चीज़ों से ना जो लोकल रूलर्स लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे इनसे। फिर एरोगेंस एंड वॉयलेंस बॉट एनिमोसिटी ऑफ मुगल्स एंड स्मॉल रूलर्स। अब ये लोग अलग अलग षड्यंत्र टाइप के करा करते थे, वॉयलेंस काफ़ी ज़्यादा करते थे, ये इधर हड़प ला उधर हड़प लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मुगल्स को और छोटे जो शासक थे उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रही थी उनके लिए। और डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, अब ब्राज़ील डिस्कवर हो गया तो जो गोवा की इम्पोर्टेंस थी ना वो कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राज़ील की हो गई, तो इन लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा इंडिया में। और भी क्या था कि डच, इंग्लिश, इन लोगों का भी अराइवल हो गया था इंडिया में, तो इनका कंपटीशन बढ़ गया था, तो इनका जो ट्रेड था उसमें कमी आ रही थी कंपटीशन की वजह से। फिर देखिए गोवा जो है उसका भी जो इम्पोर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, जो विजयनगर एम्पायर था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, उससे सामान वगैरह जाया करता था बाहर, वो गोवा से होकर के जाता था। विजयनगर एम्पायर टूटा, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो गोवा की इंपॉर्टेंस कम हो गई। अब जो स्पाइस ट्रेड था वो मतलब किसके कंट्रोल आ गया था, डच के अंदर आ गया था, तो गोवा जो है वो सुपरसीड कर दिया किसने, ब्राज़ील ने। अब आती है सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टुगीज़, जो पोर्टुगीज़ थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। अब इन लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, नेवल पावर स्टार्ट की थी, मतलब नेवीज़ इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी,
तो इंडिया के लोगों को इन्होंने ये बताया कि भाई शिप बिल्डिंग ऐसे होती है, ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, तो नेवल पावर की इमर्जेंस हुई इन लोगों के आने से। और यूज़ ऑफ फील्ड गन, सिस्टम ऑफ ड्रिलिंग, ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री, तो इन्फेंट्री होता है ना जो पैदल चलने वाली सेना होती है, ये स्पैनिश मॉडल था, उन लोगों से इन लोगों ने अडॉप्ट किया था, पोर्टुगीज़ ने भी। ये लोग गन्स वगैरह लेके आए और ड्रिलिंग, मतलब पैदल यात्रा वगैरह की जाती थी इन्फेंट्री के द्वारा, वो सब। मल्टी डेक शिप्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, एक जैसे जहाज़ है उसके ऊपर मतलब मंजिलें जैसी होती थी, तो वो होता है मल्टी डेक शिप। और काफ़ी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे देश में लेके आए थे। मिशनरीज एंड चर्च वर टीचर्स एंड पेट्रॉन्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो जो मिशनरी थे वो टीचर्स थे, लोगों को पढ़ाने का काम किया करते थे, और वो इंडियन आर्ट के काफ़ी बड़े पेट्रॉन्स भी थे, मतलब काफ़ी पसंद करते थे और काफ़ी बढ़ाया भी उन्होंने। सिल्वर स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, आर्ट फ्लरिश इन गोवा, बिकम सेंटर ऑफ मेटल वर्क एंड ज्वेल्स। तो ये जो सुनार की कारीगरी का जो काम है, ज्वेलरी बनाने का काम भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ, और ज्वेलरी बनाने का सेंटर की तरह जो है उभर के आया गोवा। वुडवर्क, जो वुड वाला वर्क था, स्कल्पचर, पेंटेड सीलिंग्स, ये सारी की सारी जो है ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई। इन लोगों का आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा हुआ करता था, मगर फिर भी अच्छा एक आर्किटेक्चरल प्लान भी हमारे देश में लेके आए। तो ये हम लोगों ने पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डच और इंग्लिश, फ्रेंच, इन लोगों के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।